कार्य तथा ऊर्जा भाग तीन स्थितिज ऊर्जा। पिछले वीडियो में हमने गतिज ऊर्जा के बारे में जाना। इस वीडियो में हम स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जानेंगे। अब हम स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए कुछ आसान से उदाहरण देखते हैं। अपने एक हाथ में रबड़ बैंड लो और दूसरे हाथ से रबड़ बैंड खींचो। रबड़ बैंड खींच जाता है। अब एक तरफ से रबड़ बैंड छोड़ दो और तुम देखोगे कि बैंड अपनी मूल अवस्था में चला जाता है। तुम्हें क्या लगता है, रबड़ बैंड अपनी मूल अवस्था में क्यों चला गया? ऐसा इसलिए क्योंकि जब बैंड को खींचा गया तो इसमें कुछ ऊर्जा विद्यमान हो गई थी और इसी ऊर्जा के कारण रबड़ बैंड अपनी मूल अवस्था में वापस चला जाता है। अब एक खिलौना लो और इसमें चाबी भरो। अब इस खिलौने को जमीन पर रखो और तुम देखोगे कि खिलौना चलने लगता है। तुम्हें क्या लगता है, खिलौने को चलने के लिए ऊर्जा कहां से मिली होगी? इन सभी घटनाओं में वस्तुओं को इन पर किए गए कार्य से ऊर्जा मिलती है। जब कोई वस्तु इसे मिली ऊर्जा का उपयोग अपनी चाल या वेग को परिवर्तित करने के लिए नहीं करती तो वस्तु इस ऊर्जा को स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित कर लेती है। जब तुम रबड़ बैंड को खींचते हो या खिलौने में चाबी भरते हो तो तुम ऊर्जा को स्थानांतरित करते हो। जब तुम रबर बैंड को खींचते हो तो खींचने में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित हो जाता है। और जब तुम खिलौने में चाबी भरते हो तो उसके अंदर की स्प्रिंग संकुचित हो जाती है और इस संकुचन में किया गया कार्य उसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में रह जाता है। अब स्थितिज ऊर्जा को समझने के लिए कुछ आसान से क्रियाकलाप करते हैं। एक गेंद को लो और इसे एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाओ। अब गेंद में कार्य करने की क्षमता आ जाती है। अब गेंद को छोड़ दो और तुम देखोगे कि यह गिरना शुरू कर देती है। अब तुम्हें क्या लगता है, क्या होगा यदि तुम गेंद को और अधिक ऊंचाई से छोड़ते हो? अधिक ऊंचाई से गिरने वाली गेंद का वेग अधिक होगा जब ये जमीन पर पहुंचेगी, क्योंकि हमने गेंद को अधिक ऊंचाई तक पहुंचाने के लिए गेंद पर अधिक कार्य किया था, इसलिए इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। अब एक धनुष और एक तीर लो। तीर के एक छोर को डोरी के सहारे धनुष पर लगाओ। अब डोरी को खींचो और तीर को छोड़ दो। तुम देखोगे कि तीर एक निश्चित दूरी तक उड़ान भरता है। जब डोरी को खींचा जाता है तो धनुष में स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और फिर यह ऊर्जा उड़ते हुए तीर की गतिज ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। अब समझते हैं कि जब एक वस्तु को निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा में क्या परिवर्तन होता है। जब एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो इस वस्तु पर गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध कार्य किया जाता है, जिसके कारण अधिक ऊंचाई पर ले जाने से इसमें अधिक ऊर्जा विद्यमान हो जाती है। किसी वस्तु में विद्यमान इस ऊर्जा को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा कहा जाता है। गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध जमीन से किसी ऊंचाई तक ले जाने के लिए किसी वस्तु पर किए गए कार्य को गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा से परिभाषित किया जाता है। अब गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा के लिए गणितीय सूत्र निकालते हैं।
माना कि एक m द्रव्यमान की वस्तु को जमीन से निश्चित ऊंचाई h तक उठाया जाता है। किसी वस्तु को उठाने के लिए आवश्यक बल उस वस्तु के भार के बराबर होता है, जो कि mg है। वस्तु को प्राप्त ऊर्जा इस पर किए गए कार्य के बराबर होती है। माना कि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर किया गया कार्य W है। W बराबर बल गुना विस्थापन बराबर mg गुना h बराबर mgh। क्योंकि गुरुत्वाकर्षण के विरुद्ध वस्तु पर किया गया कार्य mgh है, इसलिए वस्तु को प्राप्त ऊर्जा mgh होगी, जो कि वस्तु की स्थितिज ऊर्जा है। इसलिए वस्तु की स्थितिज ऊर्जा EP बराबर mgh। जब किसी वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई तक ले जाया जाता है, तो वस्तु पर किया गया कार्य वस्तु की प्रारंभिक अवस्था और अंतिम अवस्था की ऊर्ध्वाधर ऊंचाइयों के अंतर पर निर्भर करता है और वस्तु के द्वारा तय किए गए रास्ते पर नहीं। इन दोनों चित्रों पर नजर डालो, जहां दो वस्तुएं बिंदु A से बिंदु B पर पहुंचने के लिए दो अलग अलग रास्तों का इस्तेमाल करती है। यहां AB बराबर H है। इन दोनों अवस्थाओं में दोनों वस्तुओं पर किया गया कार्य mgh है। अब क्या तुम जानते हो कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है? हमारी प्रकृति में ऊर्जा रूपांतरण के कई उदाहरण मौजूद हैं, जैसे कि जल चक्र या प्रकाश संश्लेषण, जिससे पौधे खाना बनाते हैं। अब कुछ मानव क्रियाकलापों के उदाहरण देखते हैं, जिनमें ऊर्जा रूपांतरण होता है। धनुष और तीर के उदाहरण में हमने पढ़ा था कि जब डोरी को खींचा जाता है, तो इसमें स्थितिज ऊर्जा संचित हो जाती है और ये तीर को फेंकने के लिए गतिज ऊर्जा के रूप में इस्तेमाल होती है। दूसरा उदाहरण एक दौड़ती हुई कार है, जहां ईंधन की रासायनिक ऊर्जा यांत्रिकी ऊर्जा में रूपांतरित हो जाती है, जिससे कार चलने लगती है। अब क्या तुम ऐसे मानव क्रियाकलापों के कुछ उदाहरण बता सकते हो, जिनमें ऊर्जा रूपांतरण हो रहा हो? सोचो। इस वीडियो में हमने स्थितिज ऊर्जा यानी पोटेंशियल एनर्जी के बारे में जाना। अगले वीडियो में हम ऊर्जा संरक्षण के नियम के बारे में जानेंगे।